दोस्तों स्वागत है ट्रेड गाइडर के इस चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं धनलक्ष्मी बैंक के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि धनलक्ष्मी बैंक का जो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, इसको करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि धनलक्ष्मी बैंक का फंडामेंटल बेसिस पे तो उतना ये मजबूत नहीं है, लेकिन ये टेक्निकली बेस की बात किया जाए तो ये कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। तो आइए सबसे पहले हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद से हम इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फिर हम जानेंगे कि इस कंपनी में क्या हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हर वीडियो की तरह इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल शेयर कैपिटल पे। तो देखिए टोटल शेयर कैपिटल की बात करें तो देखिए जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस कंपनी का जो टोटल शेयर्स कैपिटल है फाइनेंशियल ईयर 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018, इन हर सालों में आप देख रहे हैं कि इसके शेयर्स डाइल्यूट हुए हैं, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छा सिग्नल नहीं माना जाता है। उसके बाद से हम बात करेंगे धनलक्ष्मी बैंक के रिजर्वर्स के बारे में। तो धनलक्ष्मी बैंक का जो रिजर्वर्स की बात करें तो देखिए इसकी रिजर्वर्स भी अप डाउन होते हुए नजर आए हैं। उसके बाद से अब हम बात करेंगे टोटल डेप्थ की। तो देखिए जो डेप्थ का जो फैक्टर है, ये थोड़ा सा मतलब अच्छा है इस बैंक का, क्योंकि देखिए 2014 में ये 13,468 करोड़ था, 2015 में 13,323 करोड़ था, फाइनेंशियल ईयर 2016 में 11,603 करोड़ था। इसके बाद से देखिए इसके जो भी डेप्थ हैं, ज्यादा तो कम नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही कम होते हुए नजर आए, तो ये एक अच्छा साइन माना जाएगा कंपनी के लिए। और यहाँ पे रिजर्वर्स की बात करें तो देखिए आप जैसा कि देख रहे हैं कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से इसके रिजर्वर्स कंटिन्यू ग्रोथ किए हैं, तो ये भी एक अच्छा सिग्नल माना जाएगा रिजर्वर्स को लेके। अब जरा सा हम बात करते हैं इंटरेस्ट अर्निंग को लेके। तो देखिए इंटरेस्ट अर्निंग के मामले में तो ये बहुत कुछ खास नहीं दिखा पाया जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन ठीक है, इसे हम बेटर लेके चलेंगे। और इस वीडियो के सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक अच्छा एक बैंक है, आगे चल के ग्रोथ करने वाला है। तो इसको भी हम एक तरह से एवरेज लेके चल रहे हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा हम इसके बात करेंगे कि इसके इम्प्लॉय कॉस्टिंग की, तो इम्प्लॉय कॉस्टिंग भी इसकी अच्छी नहीं है, काफी पुअर रही है देख रहे हैं कि आप, क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी का अगर इम्प्लॉय कॉस्टिंग देखना है तो इम्प्लॉय कॉस्टिंग जो है लगातार बढ़ने चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि आप ये भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे एक निगेटिव सिग्नल लेके चलेंगे। अब हम आते हैं सीधे टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट में देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस बैंक का जो बॉटम बनना था वो इसने बना दिया है, और देखिए यहाँ पे डबल सपोर्ट लेके आगे बढ़ा। और उसके बाद से जो अभी का ये कंडीशन है यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो आप ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं ये मूविंग एवरेजेज की लाइनिंग है, और मैंने यहाँ पे 50 पीरियड लिया है। तो अगर 1 डे का कैंडल मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इसका मतलब हुआ कि मैं 50 पिछले 50 दिनों का जो मूविंग एवरेज यहाँ पे मैं काउंट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कैंडल है बिल्कुल फ्रेश क्लोज हुआ है 1 डे का कैंडल। और सबसे अच्छी बात क्या है कि एक ये मारा वो जो पैटर्न होता है जो कैंडल स्ट्रिक्ट का वो बना हुआ है। और एक और सबसे जो अच्छी सिग्नल क्या है कि इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है, ये मतलब इस कंपनी में केवल बायर्स बैठे हुए हैं इस बैंक में। उसके बाद से जरा सा हम बात करेंगे इस कंपनी के एमएससीडी की। तो एमएससीडी में देखिए यहाँ पे सेलिंग बनी थी, लेकिन फिर यहाँ पे बाइंग बना, और बाइंग बनने के बाद फिर हल्की गिरावट आई। लेकिन देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, जो ये अगर देख पा रहे होंगे कि जो इसका ब्लू वाला लाइन है, तो यहाँ पे ये फिर से अप ट्रेंड में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बहुत ही स्ट्रांग सिग्नल यहाँ पे आपको एक मिल रहा है, दूसरा कि ये मारो वो जो पैटर्न बना रहा है, तीसरा सिग्नल जो मिल रहा है आपका यहाँ पे ये मूविंग एवरेज के लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है। तो इस बेसिस पे आप चाहे तो इसको एक आप जैसे कि लॉन्ग टर्म में अगर आपको बाई करना है तो 30 रुपए तक के लेवल के लिए आप बाई कर सकते हैं। और बाकी आपने देखा कि फंडामेंटल एनालिसिस में कि जो इस कंपनी के जो भी डेप्थ हैं वो धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा फैक्टर है इस बैंक के लिए। तो आप चाहे तो इस बैंक को बाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो मेरा अगला वीडियो आने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है वीडियो, क्योंकि जो अगला मेरा वीडियो आएगा वो मैं FMCG कंपनियों के बारे में बनाऊंगा। तो अगर उस वीडियो को आपको सबसे पहले पाना है और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर दबा लें।